आज संकल्प करेंगे, कार्यक्रम तो ऐतिहासिक करेंगे, लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक अंत भी छिंदवाड़ा में गड्ढा खोद के गाड़ के पूरा करता है। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ के गढ़ में हुंकार भरी और कहा कि कांग्रेस का अंत छिंदवाड़ा में किया जाएगा। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ बयान शिवराज सिंह चौहान ने दिया और उस पर क्या कमलनाथ की प्रतिक्रिया आई है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल आने वाले दिनों में अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनका दौरा छिंदवाड़ा में प्रस्तावित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा में एक दौरा करने वाले हैं, यहाँ पर वो जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। इन्हीं की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे थे और यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। बयान ये कि कांग्रेस का अंत छिंदवाड़ा में करना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये भी कहते आए कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का अंत छिंदवाड़ा में करना है और गड्ढा खोद के उसमें कांग्रेस को गाड़ देना है। एक बार आप भी सुनिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बयान। आज संकल्प करेंगे, कार्यक्रम तो ऐतिहासिक करेंगे, लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक अंत भी छिंदवाड़ा में गड्ढा खोद के गाड़ के पूरा करना। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की भी प्रतिक्रिया आ गई है। कमलनाथ ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को जवाब दिया है। कमलनाथ ने लिखा कि शिवराज जी, सुना है आपने छिंदवाड़ा में कहा कि आप मेरा अंत करना चाहते हैं। अंत तो एक दिन सबका होना है, कोई अमर होकर नहीं आया, लेकिन मेरी तो एक ही इच्छा है कि जिस छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि की मैं पिछले 44 साल से सेवा कर रहा हूं और जिस मध्य प्रदेश की माटी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसकी सेवा में मैं अपना जीवन अर्पित कर दूं। साथ ही कमलनाथ ने आगे लिखा कि मैं आपकी इस दुर्भावना का बुरा नहीं मानता, महात्मा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने मुझे संस्कार दिए हैं, लेकिन छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि खरीद फरोख्त की सत्ता ने आपको मदांध कर दिया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। साथ ही उन्होंने लिखा कि ईश्वर आपको दीर्घ आयु और सद्बुद्धि दे। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, ऐसे में सियासी बयानबाजी मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा बयान और उसके बाद कमलनाथ की प्रतिक्रिया आई है। इस बयान को लेकर, कमलनाथ की प्रतिक्रिया को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।